ठाकुर के सवामणी करोगे ठाकुर अकेला ही खाता है, और गाय की सवामणी करोगे तो गाय में 33 करोड़ दे पा रहे थे महाराज, तुम्हारे पितरे सुन रहे थे, तुम्हारे पितृ सभी 108 पीढ़ियों के, बोला यदि तुमने स्वामणी बोल दी तृप्त हो गई, गाय की स्वामणी पितरों को मिली। कल लोग कम करके थोड़ा दान में निष्ठा धर्म का कर दो, थोड़ा तुम्हारा कुंड वैसे ही रहेगा, बराबर रहेगा, पानी निकल आएगा, इसको मारो, यही काली के बलि हो, आ जाएगा काली जी के बलि चढ़ी, किसकी बलि चढ़ी, काम की, क्रोध की, लोभ की, मद की, मत्स्य की, अविद्या, यही हमारे अंदर पशु है, मन में इनको काटो काली के आगे, क्रोध को मारो। एक बात और बताता हूं, क्रोध भी बहुत भयानक पशु है, ये भी हमारे मन में है, क्रोध को शांत करने के लिए 7 वारों में तुम व्रत करते हो, कोई सोमवार का करता है, कोई मंगलवार का करता है, कोई एकादशी का करता है, आज भागवत में बैठ के क्रोध का भी व्रत करो, एक दिन 7 दिनों में बोलना क्रोध का व्रत किया करो, हाँ, और खास करके क्रोध का व्रत रविवार को करो, बच्चे भी रहते हैं, अब बच्चे उत्पात करे तो भी क्रोध मत करना, पति कुछ कहे तो भी क्रोध मत करना, पति से कह देना आज मेरे क्रोध का व्रत है, आज जो कुछ कहना है मेरे को क्रोध नहीं आएगा, धीरे धीरे ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि तुम्हारा क्रोध चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। ऐसे जड़ व्रत में राजा रवगण को भी ज्ञान का उपदेश दिया, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटाया, ग्रस्ताश्रम के धर्म का वर्णन किया, गृहस्थी बन करके गोग्रास निकालो जरूर, गृहस्थी बन करके कुत्ते को रोटी जरूर दो, गृहस्थी बन के पक्षियों को चूगा जरूर दो, गृहस्थी बन करके अतिथि का सत्कार करो, आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान पानम गृहे साधो संगम उपासते सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। सुखदेव जी कह रहे हैं वो धन्य घर धन्य है जिस घर में अतिथि का सत्कार होता, वो घर धन्य है जिस घर के अंदर पितरों का श्राद्ध होता, वो घर मृत्यु लोक में भी धन्य है जिस घर में तुलसी जी रहती हो, वो घर मृत्यु लोक में भी स्वर्ग तुल्य है जिस घर में गौ माता रहती हो। महाराज घर में तुलसी जल को पितरों का श्राद्ध करो, तर्पण करो। भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने हमेशा मोरध्वज राजा की बड़ी प्रशंसा करते थे, कर्ण और मोरध्वज राजा, भगवान ने यदि प्रशंसा की है अर्जुन के आगे दो ही जनों की है, एक तो राजा मोरध्वज की, एक कर्ण की, कर्ण दानी था, मोरध्वज राजा पितरेश्वरों का बड़ा भक्त था, अतिथियों का सत्कार करता था, तो एक दिन अर्जुन ने कह दिया भगवान मैं इतना बड़ा योद्धा हूं, आप हमेशा मोरध्वज राजा की प्रशंसा करते हो, कर्ण की प्रशंसा करते हो। भगवान कृष्ण ने कह दिया अर्जुन कर्ण जैसा दानी नहीं है, देख तेरे को कर्ण की दान की महिमा बताता हूं। भगवान ने बताई एक ब्राह्मण था, ध्यान देना, ब्राह्मण की पत्नी बीमार पड़ी, ब्राह्मण ने पूछा तेरी अंतिम इच्छा क्या है, बोल मैं तेरा पति हूं, क्योंकि अपने बेटा बेटा तो है नहीं, मैं बेटी है, तो म्रियमान पड़ी हुई है, मरने वाली पड़ी हुई है, कोई तेरी अंतिम इच्छा हो तो मेरे को बता।
ब्राह्मणी ने कहा पति देव मेरी अंतिम इच्छा यह है मैं मर जाऊं ना मेरी चिता है ना बोलो ना चंदन की लकड़ी में जलाना। ऐसे कह के पत्नी मर गई। और महाराज बरसा होता भी ब्राह्मण गया पहले पांडवों के पास युधिष्ठिर के पास क्योंकि चंदन ब्राह्मण के घर में तो अन्न की कमी है चंदन कहां से लावे और अंतिम इच्छा पूरी करनी। युधिष्ठिर से कह रहे युधिष्ठिर तुम राजा है मेरी पत्नी की इच्छा थी चंदन की लकड़ी में चिता। युधिष्ठिर ने कहा देखो ब्राह्मण देवता पहले तो अभी चंदन मेरे घर मिलेगा भी नहीं और कोई मैं जंगल से मंगाऊं तो गीला है तुम्हारी पत्नी की चिता चलेगी भी नहीं। उसी समय भगवान अर्जुन से कहते हैं देख ले धर्मराज नट गया है अब देखना ब्राह्मण गया कर्ण के पास। अर्जुन से कहा देख लेना अब कर्ण के पास जाके कहने लग गया कर्ण मेरी पत्नी मर गई मैंने उसकी अंतिम इच्छा के लिए कहा था चंदन की लकड़ी उसने कहा मेरी चिता बनाना मैंने कह दिया मेरे को चंदन चाहिए तू बहुत दानवीर है। कर्ण कहता है महाराज क्या करो वर्षा बहुत है घर में चंदन नहीं है और मेरे घर आज श्राद्ध है बोलो क्या कहा श्राद्ध है और पितृपक्ष है आप आ गए आपको निराशा से लौटाऊं तो मेरे सारे पितृ निराश हो जाएंगे। तो भैया मेरे तो आस लगी हुई है तेरे पर ही। हाय हाय कर्ण ने क्या कह दिया ब्राह्मण देसा निराशा मत हो मेरे मकान के कवाड़ सारे चंदन के हैं ले जाओ निकाल करके। ऐसा कर्ण था वो किवाड़ ले गए चिता बनाई कर्ण की चिता वो ब्राह्मण ने कर्ण के किवाड़ों की चिता से पत्नी को जला दी। भगवान ने कहा अर्जुन देख ले ऐसा दानवीर है अब कर्ण मरने वाला है उस समय भगवान कहते हैं अर्जुन आज भी कर्ण की ये परीक्षा कर तू आज भी ये देने के लिए इसके पास कुछ नहीं है फिर भी देगा। अर्जुन और भगवान कृष्ण ब्राह्मण बन के गए कर्ण के पास और कर्ण बाणों से घिरा हुआ है टाप 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 खून टपक रहा है वो कर्ण घायल हुआ हुआ है और ब्राह्मण आए हैं अर्जुन और कृष्ण बन के और कर्ण से कहते हैं कर्ण जिंदगी में तुमने दान दिया आज हम भी तेरे घर आए हैं हमको दान दे। कर्ण कहता ब्राह्मण देवता अब तो मैं मरने वाला हूं मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ब्राह्मण बने हुए भगवान कृष्ण कहते कुछ क्यों नहीं है तेरे सोने का दांत है ना आप पहले पुराने जमाने में लोग सोने का दांत मंडते थे सोने का दांत से पानी पियो तो अमृत बन जाता है ऐसा हमारा शास्त्र कहता है वो आदमी निरोगी रहता है। तो कह दिया तेरे सोने का दांत है वो दे दे। कर्ण कहता है दे तो दूंगा लेकिन मेरे को एक पत्थर की जरूरत है ये सामने पत्थर पड़ा है ब्राह्मण देता हूं ये लाके दो ऐसे तो टूटेगा नहीं मैं पत्थर से तोड़ूंगा। भगवान ने कह दिया ये तो हमारा श्रम हो जाएगा हम पत्र लाके देंगे तो दांत तोड़ के देगा ये तो श्रम का फल है हमारे श्रम का सोना मिलेगा ऐसे दे हमसे काम कराएगा। कर्ण ऐसा महादानी था शक्ति नहीं थी दी लिटता 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 पत्र के पास गया हाथ में पत्र लेके दांत तोड़ करके भगवान के हाथ में दे दिया खाली उतना ही सोना था उसके पास। उसी समय भगवान कृष्ण अर्जुन प्रकट हो गए अपना रूप धारण करके। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तेरे दान की परीक्षा ले ली हमने आज तो मांगे सोदे में तेरी अंतिम इच्छा क्या है तुमने ब्राह्मणी के ब्राह्मण के कहने पर तुमने अंतिम इच्छा पूरी कर दी कवाड़ दे दिए
और आज हम आए तेरे पास कुछ नहीं था, इतना ही सोना था दांत वाला, वो हमको दे दिया। आज तो मांगे सो देवे। कर्ण ने कह दिया, भगवान मेरे पर आप प्रसन्न हो, मैं मरूं मेरी चिता उस जगह जलाना जहां तक आज तक कोई नहीं जला है, मां मेरी चिता होनी चाहिए। भगवान ने कह दिया तो आज तो कर्ण मर गया, अब उस जगह ले जाना है जहां आज तक कोई चिता नहीं जली है। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों कर्ण को उठा के गंगोत्री गए। बोलो भाई, यहां पर कोई नहीं जला है, फिर और ऊपर पहुंचे अमरनाथ। बोलो कहां पहुंचे, बोलो अमरनाथ के अंदर। विचार किया यहां चिता बना के जलाएंगे, यहां आज तक कोई नहीं जला है। जय चिता बनाने लगे, बोल दे शंकर भगवान की। महाराज अमरनाथ में भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण से कहने लग गए, क्या कर रहे हो? का भगवान मैंने कर्ण को वचन दे दिया, इसकी अंतिम इच्छा पूरी करनी है। क्या? ये इतना दानी था कि अंत समय में हमको दांत में सोना था वो भी दे दिया, सर्वस्व दे दिया, और मेरे को कह दिया मेरी चिता उस जगह बनाओ जहां आज तक कोई नहीं बढ़ी है। भगवान शंकर कहते हैं, भगवान कृष्णा अर्जुन आप सुन लो, यहां पर मैं जाने कितने हजारों कर्ण पहले जल चुके हैं, हजारों युधिष्ठिर यहां पर जल चुके हैं, और लाखों भीष्म पितामह भी यहां पर जल चुके हैं, और आप कहीं भी जाओगे ना भगवान, ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पर कोई चिता नहीं बनी है। जिंदे रहने वालों की संख्या तो गिन देती है, सरकार भी गिन देती है, विश्व की संख्या भी गिन देती है, लेकिन मरे हुओं की कोई संख्या गिन ही नहीं सकता। किसी का मकान भी कोई चिता पर ही बना हुआ है। आपने ऐसा वचन दे दिया क्यों? ऐसी तो जगह ही नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ऐसी जगह नहीं, तो एक काम कर, मैं कर्ण को हथेली पर रख रहा हूं और तू जंगल से लकड़ियां ला। हाँ महाराज, कर्ण को हथेली पर रखा है और अर्जुन ने लाके लकड़ियां चढ़ी। भगवान कृष्ण ने महादानी कर्ण की चिता हाथ पर जलाई है। ऐसा दान भगवान के नाम से भगवत प्राप्ति हुए या नहीं हुए तुम ये मत समझ लेना कि दान से भी भगवत प्राप्ति होती है। कर्ण की तो दान से, ये पितरों का श्राद्ध पक्ष चल रहा है, गो रक्षण के लिए भागवत चल रही है, तुम्हारे पितरों के उद्धार के लिए भागवत चल रही है। उस भागवत के अंदर बोलो ना, गो रक्षण समिति ने केवल 11,000 रुपये यदि तुम्हारे पितरों सरों के प्रति श्रद्धा हो, गायों के प्रति श्रद्धा हो, गृहस्थाश्रम के धर्म को छोड़ना मत। हमारा कन्हैया, हमारी गौ माता, हमारा कन्हैया कंजूस नहीं है, तो हम दो हाथों से गौदान करोगे, कन्हैया तुमको हजारों हाथों से सोना चांदी हीरा बना। कल कृष्ण जन्म में दे दो, दे दो रस का धर्म। अब लो तामिश्र मोरदज राजा की बात, ये भगवान की गमनी कला है। ओ गमनी कला, कौन सी कला? 16 कलाओं पर कथा हो रही है, 16 कलाओं में 2 कलाओं की सुना दी, तीसरी गमनी कला। महाराज मोरदज राजा की परीक्षा के लेने के लिए अर्जुन को लाई, और उस समय मोरदज राजा के बोलो ना वही श्राद्ध, बोलो पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध का महत्व बता रहा हूं। मोरदज राजा कभी किसी को आए हुए को भूखा नहीं जाने देता था,
उसके घर में पशु भी भूखे नहीं, पक्षी भी भूखे नहीं, अभ्यागत भी भूखे नहीं, कोई आ जावे भूखे मत निकालो। भगवान कृष्ण अर्जुन ब्राह्मण बन के मोरध्वज राजा के आए, साथ में एक शेर लाए सिंह। अर्जुन देखना मोरध्वज राजा की परीक्षा, देखना वो अतिथियों का कैसे सत्कार करता है, कैसे वो गो भक्त है। मोरध्वज राजा के यहां महाराज कहते हैं 1,25,000 गायें हमेशा खाती थी, वो व्यवस्था करता था, गो भक्त बहुत था, ब्राह्मणों का भक्त बहुत था, अतिथियों का भक्त। अब ब्राह्मण बन के आए, 12 बजे का समय, पितरों का श्राद्ध कितने बजे होता है बोलो? 12 बजे। आओ महाराज आओ, बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की, ब्राह्मण देवता आज मेरे घर श्राद्ध है, आप भोजन करो। भगवान कृष्ण कहते हैं राजा हमारे एक भगवती का बाण हमारे साथ है, जब तक वो भोजन नहीं करता तब तक हम भोजन नहीं करते। कहा महाराज उसकी व्यवस्था करूं? कहा नहीं, करना है लेकिन सुन ले, वो मनुष्य का मांस खाता है। बोलो भगवान कैसी परीक्षा कर रहे हैं? क्या कहा? मनुष्य का मांस। कहा महाराज मनुष्य कैसे? तेरे बेटे का मांस खाएगा वो बोल देगा? बेटे का नाम ताम्रध्वज। तो कहा भाई ये तो पत्नी से पूछना पड़ेगा। हाँ पूछने से पहले सुन लेना, और वो भी तेरे बेटे का आधा शरीर खाएगा, जो दाहिना शरीर है वो खाएगा, बायां शरीर अशुद्ध है वो नहीं खाएगा। और उसको भी कैसे काट के दोगे? माता पिता दोनों आरा लेके सामने खड़े होगे, और उसमें भी उन्होंने शर्त रखी माँ बेटे के सामने रहेगी, क्योंकि माँ का वात्सल्य होता है। देखो धर्म की कैसी परीक्षा है, पिता पीछे रहेगा। तो मोरध्वज ने कह दिया मेरे को स्वीकार है, लेकिन ये बात तो उसकी माँ को तो पूछूं। अपनी रानी के पास गए, भाई ब्राह्मण आए हैं साथ में शेर लाए हैं, और वो तो कहते हैं अब तुम्हारे बेटे का। पत्नी रानी कहती है देखो अपने ग्रस्त में रह रहे हैं आप, अपना धर्म ग्रस्त का वो पूरा करना है, ब्राह्मण ने मांग लिया तो दो, धर्म को नहीं छोड़ेंगे अपने, कि आरे से काटना पड़ेगा तेरे को आगे रखना पड़ेगा, रह जाऊंगी लेकिन बेटे से पूछ लो, मैं तो तैयार हूं। ताम्रध्वज के पास गई, बेटा मोरध्वज कहता देख आज तक मेरा नेम नहीं टूटा बेटा, आज और तेरे जचे तो मैं तो तैयार हूं, तेरी मां भी क्या आधा भाग आरे से काटना पड़ेगा, आधा शेर खाएगा, उसके बाद ब्राह्मण भोजन करेंगे, आज श्राद्ध पक्ष है भूखे नहीं जावे। बेटा कहता पिताजी आपका धर्म नहीं टूटना चाहिए, शरीर तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाला है, दे दो मैं बैठ जाऊंगा। महाराज आ गया ताम्रध्वज, आ रहा कैसी परीक्षा। कहा मां आगे खड़ी हो जाओ, पिता पीछे। फिर शर्त रख दी भगवान ने, अर्जुन सुन रहा है तीनों में एक के आंखे में पानी आ जाएगा आरे काटते समय, हम तुम्हारी यहां भोजन नहीं करेंगे, अब जचे तो दे। उन्होंने कहा नहीं आएगा जाओ। ताम्रध्वज कहता है पिताजी काटो, धर्म की मर्यादा नहीं तोड़ूंगा, आरा चलाओ। मां आगे है विचार करो कैसी धर्म की परीक्षा, और काटते समय ताम्रध्वज के बाई आंख में पानी आ गया, और उसी समय अर्जुन घबरा रहा है। अर्जुन कहता भगवान ऐसी परीक्षा मेरे सामने मत करो, क्या तू ही तो कह रहा था ताम्रध्वज।
ध्वज की आप बढ़ाई कर रहे हो, ताम्र ध्वज की कारण का बता दिया, ताम्र ध्वज का सुन ली। भगवान ने कह दिया मोर ध्वज राजा को, उसकी पत्नी को, उसके बेटे को, अरे भाई आंखों में पानी आ गया, भाई आंख में हम नहीं। तो ताम्र ध्वज बोला आधा शरीर कटा हुआ आता है, आरे से खून टपक रहा है, वो कह रहा है ब्राह्मण देवता बाई आंख में पानी आया है, बाई आंख अशुद्ध है, आपका शेर नहीं खाएगा, दाहिने में नहीं आया है, दाहिने आंख में पानी आवे तब मत भोजन करना, मेरी बाई आंख में आया है। ऐसे ऐसे हरिश्चंद्र की कथा भी सुनते हो आप लोग, धर्म में परीक्षा होती है। काट दिया, सिंह के आगे रख दिया, सिंह ने खा लिया, आओ ब्राह्मण देवता भोजन करो, मेरा श्राद्ध का समय है, बोलो। भोजन की थाली रखी, भगवान ने शर्त रख दी, परोसने वाला तुम्हारा बेटा होना चाहिए, बोलो क्या शर्त रख दी, कैसी परीक्षा, हम भोजन कर रहे हैं, थाली में भोजन देने वाला तुम्हारा बेटा। मोर ध्वज राजा कहता है बेटा को तो काट दिया, का और नहीं है, और नहीं है। भगवान कहते हैं हम भोजन नहीं करेंगे, हमको पहले क्यों नहीं बताया हमारे एक ही बेटा था। का महाराज देखो मेरे घर में अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए, आप भोजन करो। अरे तो बेटे को बुला, का बेटा तो मर गया ना, अरे बुला तो सही। मोर ध्वज राजा ने आवाज लगाई ताम्र ध्वज ब्राह्मण देवता भूखे हैं बेटा, आप भोजन करा जाए, ताम्र ध्वज आ गया, मां देख रही है पिता देख रहे हैं। ताम्र ध्वज भोजन करा रहा है, ताम्र ध्वज ने कह दिया पिताजी आपकी निष्ठा इस परमात्मा पर थी, ब्राह्मण को परमात्मा समझ लिया और उसी परमात्मा की, देखो परमात्मा इतने में तो बोल दे कृष्ण चंद्र भगवान की, अर्जुन और कृष्ण प्रकट हो गए। अर्जुन को भगवान ने कहा रे मैं इसलिए मेरे जीवन में दो व्यक्तियों की बड़ाई की है, एक तो कर्ण की, एक मोर ध्वज राजा की। तो भाई ऐसे ऐसे हमारे दृष्टि हुए हैं, तुम दान देते रहो, तुम अपने धर्म को मत छोड़ो, हमारा ग्रस्त का धर्म है गऊ ग्रास निकालना, गाय को घास देना, अतिथि का सत्कार करना, उसको छोड़ो मत, हमारा कन्हैया कंजूस। और धर्म में परीक्षा होती है, परीक्षा पढ़ने वाले की होती है अनपढ़ की नहीं, परीक्षा धर्मात्मा की होती है पापी की नहीं, परीक्षा भक्त की होती है अभक्त की नहीं। महाराज समय समय पर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ, ये ग्रस्त धर्म का वर्णन सुखदेव जी ने बताया, उस ग्रस्त धर्म के माध्यम से मैंने आप लोगों को मोर ध्वज और कर्ण की कथा सुनाई। और जो गृहस्थी होकर के पापाचार करता रहता है, कभी भी गोग्रास नहीं निकालता है, भगवान सुख कहते हैं बेतरणी नामक नरकम पतति, वो बेतरणी नाम के नरक में जाता है। यहां पर नरकों का वर्णन बताया है, नरक सुखदेव जी ने कहा परीक्षित 28 प्रकार के हैं, तामिश्र अंध तामिश्र रौरव महारौरव कुंभिपाक काल सूत्र असिपत्र पयोद प्राणारोध लाला भक्ष, इन नरकों में सबसे भयानक नरक है। तो सुखदेव जी ने कह दिया बेतरणी नरक है, वो बेतरणी में कौन जाता है, जिसने अपनी गऊ जीवन में ग्रस्ती बन के गऊ का दान नहीं दिया, वो बेतरणी नाम की। और बेतरणी 99,000 योजन लंबी बताई है भागवत में, बोलो कितनी, पांचवा स्कंध देखो, व्यास गद्दी पर बैठ के गप नहीं लगा दिए तो जाई जाती, व्यास गद्दी पर बैठ के शास्त्र की कथा सुनाई जाती है। जो भी मैं सुना रहा हूं आपको, जो भागवत बोल रही है वही सुना रहा हूं। 99,000 योजन, एक योजन में कितने किलोमीटर, बोलो 13 किलोमीटर,
और कैसी आवाज़ दी उसका वर्णन बताया है, खून और रस्सी और केस और नाखून और हड्डियों से, बड़े बड़े अजगरों से, मगरमच्छों से, बिच्छुओं से, सर्पों से वो भरी हुई है। उस नदी से पितरों को पार करने के लिए एक ही उपाय बता दिया सुखदेव जी ने, परीक्षित अपने जीवन के अंदर संपन्नता आ जावे। और यदि वो गौ का दान नहीं करता है, बेतरणी नदी, बेतरणी नामक नरकम पतती, वो बेतरणी नाम की हमारे गोरक्षण समिति ने बेतरणी पार करने के लिए आपको और आपके पितृश्रों को कराने के लिए भागवतीय ज्ञान यज्ञ रचा है। इसमें आप गौदान जरूर करना। और प्रजातीर्थ में तो बोलो ना, कितने गायों का दान होगा, कल होगा, चूक मत जाना। और चूक जाओगे तो जाट क्या कहता, दादा चूक क्या चौरासी, बारा चूक दे फिर चौरासी आ जाएगी, चूको मत। कुछ गौदान नहीं कर सको, अरे सवामणी तो खरीदे ना, सवामणिया बोला तेरे ना 2500 रुपए के है, ज्यादा नहीं है, बोला बेहतर नहीं। अरे यदि गौ का दान कर देता है वो 99,00,000 योजन बेतरणी को पार करने के लिए, तुम्हारे पास गौ आएगी, गौ, और कहेगी अरे पितृपक्ष के अंदर गोरक्षण समिति ने महेश्वरी भवन में भागवत कराई थी और तुमने भागवत सुनी है, मैं आ गई हूं, पकड़ मेरी, पांच पांच पकड़ देगी, पार कर देगी महाराज, पार कर देगी, पक्के हो जाओ। गौ माता की पूंछ पकड़ने के लिए गौ दान कर देना, भगवान का नाम लेते रहो, नरकों में जाना ही नहीं पड़ेगा। कान्य को जे कसित दासी पति रजा सदाचारो दास्या संसार दूषिता है। क्या कह दिया भगवान शिव ने भागवत के अंदर, हे राजा बेतरणी नदी पार करने के लिए तो गौदान करना ही पड़ेगा, लेकिन छोटे मोटे जान में अनजान में पाप हो जावे ना तो भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा, उससे पार हो जाओगे, छोटे मोटे पापों से पाओगे। भगवान का नाम भी पापों को नष्ट करने के लिए, और पाप नष्ट होगा तब ही गौदान होगा, ध्यान देना, नहीं तो गौदान हो ही नहीं सकेगा। जब तक हमारे मन में पाप रहेगा तब तक गाय का दान कर ही नहीं पाओगे। और यदि तुमने गौ का दान कर दिया तो पाप टिक नहीं पाएगा, पाप तो भगवान का नाम लेते ही खत्म है। औषधि फेल हो सकती है, रोग घटेगा या नहीं घटेगा इसमें संदेह है वो दवा खाने से, लेकिन भगवान का नाम लेने से उनका पाप घटेगा या नहीं घटेगा कोई संदेह नहीं। ज्ञान घटे जड़ मूढ़ की संगत, ध्यान घटे बिना धीर जाए, पाप घटे कुछ पुण्य की तब, रोग घटे कुछ औषध खाए, प्रीत घटे कुछ ही जब मांगत, चाय घटे नित के घर जाए, उद्यम से दारिद्र घटे और पाप घटे हरि के गुण। तुम ये कथा सुन रहे हो, तुम भी भगवान का नाम ले रहे हो, तुम्हारा पाप तो घट गया है ये मैं गारंटी दे रहा हूं, लेकिन बेतरणी पार तो बोलना गौदान से ही। कान्य को जे दीजे कसित दासी पति रजा मिला, नाम नाम सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता है। भगवान का नाम देख राजा कैसा है, एक राजा मिली ब्राह्मण का, उसने धर्मपत्नी को छोड़ दिया, देखो पाप कैसे घट गए भगवान के नाम से।
पाप पत्नी को घर में ले गया, दासी को, मांस मदिरा पत्नी के साथ, दासी के साथ, घरवाली को मार पीट के बाहर निकाल दिया। कितना पापी, 10 बेटे उत्पन्न कर दिए दासी से, एक छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया। क्या नाम रखा? नारायण। एक बेटे के नाम से, नारायण नाम से, वो नरकों में जाने वाला भगवान के धाम में चला गया। खाते उड़ते बैठते सोते आ नारायण आ नारायण आ नारायण। भगवान का नाम अग्नि के तुल्य है। जैसे तुम अग्नि में जान के हाथ डालोगे, अग्नि हाथ को जला देगी। अनजान में डालोगे तो भी अग्नि हाथ को जला देगी। तुम नमस्कार करके अग्नि में हाथ डालोगे तो भी अग्नि जला देगी। और तुम अग्नि को गालियां निकाल के हाथ डालोगे तो भी अग्नि जला देगी। ऐसे भगवान का नाम श्रद्धा से ले लोगे तो भी पाप घट जाएगा, अश्रद्धा से ले लोगे तो भी पाप नष्ट हो ही जाएगा। अरे खेत में बाथरी उल्टी पड़ जाएगी तो भी उग जाएगी, और सुल्टी पड़ जाएगी तो भी उग जाएगी। रामायण में बोलते ही हो, उल्टा नाम जगत सब जाना, बाली भी की भय ब्रह्म सब। भगवान का नाम उल्टा उल्टा ले की नहीं तो बच्चे के, बच्चों का नाम भी परमात्मा के नाम पर रख लो। अरे सवेरे सवेरे हमारा बच्चा सोया होगा, हाँ, माताएं पहले अपने पुत्रों का नाम भगवान के नाम पर रखती थी। अरे राधे श्याम सीताराम मनमोहन घनश्याम शिवांशु सुधांशु ईशांशु गौरी शंकर उमा शंकर दामोदर पूनम चंद, बोलो ना ये नाम रखती थी, ये भगवान के नाम है। और सवेरे सवेरे दामोदर पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम श्रवण, बोलो ये भगवान के नाम। और सवेरे सवेरे दामोदर सुतारेगा, दामोदर उठ, देखो भगवान का नाम। पुरुषोत्तम उठ, भगवान का नाम, बोलो ना। पूनम चांद उठ, भगवान का नाम। श्रवण, ये तो भगवान का, ओरी भगत महाराज भगवान से भी बढ़कर है। भगवान कहते हैं भगत मेरा माथरो बनी, बोलो। अरे सत्यनारायण राधे श्याम, ये भगवान का नाम। भगवान का नाम तुम्हारे मुख से सवेरे निकल गया, उसी समय तुम्हारा सवेरा सुधर गया, और सवेरा सुधर गया तो दिन भी सुधर गया। यदि सवेरा बिगड़ गया तुम्हारा ना, तो दिन भी बिगड़ जाएगा। जिस दिन रात में नींद नहीं आवे ना, समझ लेना जरूर मेरा सवेरा बिगड़ा है, दिन बिगड़ा है। यदि सवेरा मेरा ठीक होता, दिन मेरा ठीक होता, तो रात में नींद मेरे को बहुत अच्छी आती। भगवान के नाम आजकल महाराज बहुत बढ़िया नाम बच्चों के ये बेने रखती हो, बीच में थोड़ा मामला गड़बड़ था, हो आजकल बहुत बढ़िया है, क्योंकि कथा वार्ता में नयुतियां ये बहुत जाती है आजकल। मैं देखता हूँ भागवती की कथा में हमारे नयुग बहुत आती है, लड़कियां बहुत आती है, तो कथा का महाराज कोई ना कोई अंश लग ही जाता है। बीच में थोड़ा 10-20 वर्ष पहले बच्चों का नाम महाराज रख देते थे, पप्पू सप्पू गप्पू टप्पू बंटी थट्टी डब्लू सब, ये नाम नहीं है। एक नारायण के नाम से बोलोरा तर गया, यमराज के दूतों को वापिस खाली हाथ लौटा। ऐसे प्रहलाद भी बोलो ना, हरे राम इव केवला कलो नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिरन्यथा। प्रहलाद भी बड़ा भक्त का है, भगवान के नाम से तरा। एक करोड़ तुम यज्ञ कर लेना, मैं नहीं कह रहा हूं, जाने के सुनना, एक करोड़ यज्ञ कर लो, सही श्रद्धा से एक बार भगवान का नाम ले लो, तराजू में तो लोगे बराबर। जो फल कोटि ने यज्ञ किए, अरे जो फल मकर स्नान नहाए, जो फल यो
पाखंड किए मुनि जो फल पूर्ण प्रेम निभाए और जो फल चारों धाम किए मुनि जो फल क्षेत्र निवास बसाए और जो फल दाम तमाम किए एक सो फल कृष्ण नाम गुण गाए एक करोड़ यज्ञ कर देना जो फल मकर स्नान नहाए त्रिवेणी में जाके कुंभ मेले में संक्रांति में स्नान करोगे वो फल कहां मिलेगा जो फल चारों धाम किए चारों धाम की यात्रा कराओगे वो फल कहां मिलेगा एक बार कृष्ण की कथा में आ जाओ और उस कथा को और उस चारों धाम की यात्रा को तोलोगे तराजू में तो तराजू का पलड़ा पूरा भागवत की कथा वाला भारी हो जाएगा। होनी भागवत चाहिए मनोरंजन नहीं। जो कुछ तुमको करना है भागवत में बोलो। भजन है कीर्तन है उसका समय। यदि भजन कीर्तन में भागवत में रट दोगे तो फिर भागवत की कथा कहां होगी। हाँ बीच बीच में जय शब्द नम शब्द शंख शब्द सकार कथा के बीच बीच में मीरा के सूरदास के भजन सुनो फिल्मी गानों नहीं। हमारे मालू परिवार में दामोदर जी पूनमचंद जी ने 12 महीने पहले इसी समय ऋषिकेश में भागवत कराई। महाराज इतनी शांति से वहां तो बड़े बड़े विद्वान भी रहते हैं बहुत विद्वान भी वहां आए। कथा के अंदर कथा ही रही 5 मिनट की हेरा फेरी नहीं हुई लेकिन परिवार आया हुआ था थोड़ा भजन कीर्तन तो सायंकाल के समय बोलो ना नानी भाई का मायरा भी रखा बोलो कथा में नहीं अब कथा में ना मायरा रख दे तो कथा बीच में अलका श्री का सुंदरकांड भी बोलो ना और परिवार वालों की बहन बेटियां अब नाम तो मेरे को बहुत ही याद है उनका लेकिन अभी नहीं भूलूंगा क्योंकि मेरे को पता है किसी बहन बेटी का नाम भूल जाऊं तो ठीक नहीं। महाराज कितने सुंदर भजन कथा का तारतम्य मत रटाओ केवल वक्ता का ही वक्ता की गलती नहीं होती है तुम श्रोताओं की भी गलती होती है। तुम ही कहते महाराज वो भजन महाराज वो बचाओ वो बचाओ वो गाओ बेचारी वक्ता को तो क्या क्रमबद्ध 16 कड़ाओं की कथा सुन रहे हो जिसमें 3 कड़ा तीसरी कौन सी बोलो गमनी कड़ा बोलो ना ताम्रध्वज के पास कर्ण के पास गमनी कड़ा से अभी तो 3 ही है ऐसे पूरी 16 सुनाऊं। 6 प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूं 16 कड़ाएं सुना रहा हूं भगवान कृष्ण की 125 वर्षों की कथा आपको बता रहा एक वर्ष इधर उधर नहीं होगा एक कड़ाई इधर उधर नहीं कहा सुन तो परीक्षित कहता भगवान ऐसे भक्त की कथा आज मेरी इच्छा है सुनो प्रहलाद की साधु कृष्ण महाराज महाराज हरे साधु कृष्ण महाराज हरे सरिता
राजा बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने प्रहलाद का, भागवत में बता दिया सुखदेव जी ने, हे राजा तेरे को बता रहा हूं, प्रहलाद की भक्ति की कथा में कोई आता है ना, वो नहीं आता है, उसका पुण्य खींच करके लाता है, बोलो ना, पापी से तो प्रहलाद की कथा में आया ही नहीं जाएगा, और आ जाएगा तो पाप टिक नहीं पाएगा। तुम ये मत सोचे ना हम आए हैं, तुम नहीं आए हो, तुम्हारा पुण्य खींच के लाया है, तुम्हारे पर बड़े पितृश्रों की कृपा हुई है। प्रहलाद की कथा तो पुत्र का कर्तव्य बता रही है कि पुत्र का क्या कर्तव्य है। आज तुम्हारे पितृश्वर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं प्रहलाद की कथा। जब हिरण्याक्ष कहो बड़ा भगवान ने मारा ना, तो हिरण्याक्ष की माँ दीति थी, रोने लग गई। हिरण्यकश्यप ने सुना, माँ के पास गया, जाके कहा माँ तो रो क्यों रही है, का बेटा तेरे भाई को मार दिया बारा भगवान ने। हिरण्यकश्यप के तो माँ चिंता मत कर, मैं तेरा बेटा हूं ना, मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूं जिस बारा भगवान ने मेरे भाई को मारा है मां, मैं उसको मारूंगा, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं। हिरण्यकश्यप ने किसकी सौगंध खाई बोलो ना, मां की खाई है, मां की। अरे एक बात आपको बता देता हूं, मां की सौगंध खाने वाला हमेशा झूठ बोलता है, पक्का निश्चय कर देना। माँ की सौगन, गाय की सौगन, गंगा की सौगन, गायत्री की सौगन, गीता की सौगन, गुरु की सौगन, माता पिता की सौगन खाने वाला व्यक्ति हमेशा झूठ बोलेगा। अरे एक बात और दे देना, ध्यान रखना, जो ज्यादा सौगन खाता है वो आदमी ज्यादा झूठ बोलता है, ये झूठ का प्रमाण उसी के पास है प्रमाण पत्र। माताओं बहनों भाइयों बेटियों बिन्नियों, यदि तुमको ये आदत लग गई, लत लग गई है, तो आज प्रहलाद की भक्ति की कथा में सौगंध खाना छोड़ देना बस। यदि तुम सत्य हो तो सौगंध खाने की जरूरत ही नहीं है, सत्य तो सत्य रहेगा, त्रिकाल में सत्य रहेगा, तीनों काल में सत्य रहेगा, सत्यम परम धीमहि, कभी असत्य नहीं हो सकता। सौगंध खा के अपनी मां के पास आया, अपनी पत्नी के पास आया, कह याद हूं मैं तपस्या करने जा रहा हूं, कई वर्ष लग जाएंगे मां की सेवा करना, सायंकाल का समय था, यही समय था, प्रदोष का बेटा था, चिड़िया घर से निकला, हिरण्यकश्यप एक तोता बेटा बाधा महाराज दरवाजे पर, अरे हिरण्यकश्यप को देखते तोता बोला नारायण नारायण नारायण, या तो हिरण्यकश्यप तपस्या करने जा रहा था या वापिस आया, कयादु के महल में रात्रि के समय कयादु ने पूछा कि आप तो कहते बहुत वर्ष लगेंगे आज ही आगे गए नहीं, अरे कयादु आज सुकन अच्छा नहीं हुआ, कयादु बड़ी समझदार थी, क्या सुकन सुकन ऐसा है ना, मेरे शत्रु का नाम एक तोते ने ले लिया, इसे आज नहीं जाऊंगा, क्या नाम लिया का नारायण लिया, कयादु ने विचार किया कम से कम मेरे पति से 108 बार नारायण का नाम आज दिलाऊंगी रात्रि के समय में। थोड़ी देर में पति देव तो भूल गई, वो तोते ने क्या बोला का नारायण बोला ही नारायण, ऐसे पति पत्नी रात भर नारायण का नाम ले रहे हैं, और सुखदेव जी कह रहे हैं उसी रात में प्रहलाद मां के पेट में आ गया। प्रहलाद जन्मेगा उस समय एक दैत्य कुल में जन्म के बाद जो नारायण का नाम क्यों बोलेगा बोलो, क्योंकि गर्भाधान संस्कार के समय माँ भी नारायण बोल रही है, पिता भी नारायण बोल रहा है, और उस समय प्रहलाद पेट में जा रहा है, हमारी व्यास गति कह रही है बालक का 80% संस्कार माँ के पेट में पड़ता है,
और 20% पेट से बाहर निकलने पर पड़ता है। आजकल हमारे घर में भी बच्चों का जन्म होता है, प्रहलाद तो जन्मते नारायण नारायण बोला, हमारे बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमारे बच्चे जिस समय होंगे ना घरों में देखते हैं फिल्मी गाना गाएंगे नाचेंगे, क्यों? गर्भाधान संस्कार के समय टेलीविजन खुला रहता है। हमारी बहन बेटियां गर्भवती अवस्था में सिनेमा में जाती है और वो गर्भवती अवस्था में सिनेमा में जाकर के सत्संग में आ जावे तो उनके भी प्रहलाद धुरे जैसा बेटा जन्म जाता है। ये बातें गर्भवती बहन बेटियों को बताओ, गर्भ अवस्था में 80% संस्कार मां के पेट में। गर्भवती बहन बेटियां को सतर्क रहना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। अरे ग्रहण के समय सावधानी रखते हो या नहीं, बोलो ना। गर्भवती बहन बेटी होती है, बहू होती है, सास कहती है आज ग्रहण है, बीनी बाहर मत निकलना। पता सारा है कि गर्भ के अंदर संस्कार पड़ता है। गर्भवती अवस्था में एकदम बैठा भी नहीं रहना चाहिए, हमारे शास्त्रों में बताया है, ग्रहण हो सीधे सो जाओ गर्भवती बहन बेटी, और स्मरण करते रहो भगवान का, नारायण 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 नारायण, तुम्हारे बच्चे में संस्कार पड़ेगा, सीधे रहो। अच्छा टेप लगा लो, गीता का पाठ लगा लो टेप में, आजकल तो साधन बहुत है, तुम्हारे मोबाइल में साधन है। गीता का पाठ, सूरदास का भजन, मीरा का भजन, घर में बहुत संस्कार बढ़ता है। ये जितने चोर है ना, चोर जेल में पड़े हैं, इन चोरों का कसूर नहीं है, इनकी माओं का कसूर है। हमारी व्यास कृति कहती है गर्भवती अवस्था में कोई बहन बेटी थोड़ी सी भी चोरी कर लेगी किसी के घर में, जनन जनने वाला बेटा उसका चोर बन जाएगा। और गर्भवती अवस्था में थोड़ा भी भगवान का नाम ले लेगी, जनने वाला बेटा प्रहलाद की तरह भक्त हो जाएगा। सवेरा हो गया सावधान, प्रहलाद का जन्म हो रहा है। हिरण्यकश्यप कह रहा है कयाधु आज जा रहा हूं तपस्या करने। कयाधु ने विचार किया कम से कम पति से एक बार जाते समय तो नारायण का नाम ले लूं, जाते समय नारायण का नाम लेता ना बहुत अच्छा है, दुर्घटना नहीं होती, इसलिए बालकों को संस्कार दे, घर से निकलो स्कूल बच्चा जाओ नारायण नारायण बोला के जाओ, जय श्री कृष्ण बोला के जाओ। बहुत सी परिवार में देखता हूँ महाराज बच्चों को संस्कार है, स्कूल जाते हुए जय श्री कृष्ण दादी माँ नारायण 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 करके बहुत अच्छा। देखो यही कया तो विचार कर रही है कि आज मेरा पति बाहर जा रहा है तो कम से कम नारायण का नाम तो दिला दूं, क्योंकि वो धर्म पत्नी है, वो धर्म पत्नी। पत्नी को क्या कहते हो बोलो, धर्म पत्नी। कोई पति को कहता है धर्मपति, बोलो पत्नी को धर्मपत्नी, पति को धर्मपति नहीं, वो धर्म का पिता बना सकती है, धर्म का बेटा बना सकती है, धर्म का भाई बना सकती है, धर्म पत्नी का कर्तव्य है पति को धर्म मार्ग में लगा रही है, कयादु लगा रही है। माताओं बहनों बेटियों तुम बहुत हो, धर्म पत्नी बन के पति को प्रवृत्ति कराओ। कल की कथा में कहो पति देव आप 3 दिन कथा नहीं गए, कल चौथा दिन है कन्हैया जन्मे का कारागृह के आंदा, आपको गौदान वहां जाके करनी है। बोलना बढ़ोगी, पुन पांगड़ा होता है उसको उठा सकती है पांगड़े पुन को, तो धर्म पत्नी उठा सकती है, प्रेरणा कर सकती है, धर्म पत्नी कर सकती है। कह दो उनको न हमको साड़ी चाहिए, न हमको जेवर चाहिए, न कुछ भी नहीं चाहिए, पति देव इतनी कृपा कर दो, कल नंद उत्सव प्रजा तीर्थ चलेगा, एक गाय का दान करने से 1,00,000 गायों का दान का फल मिलेगा, मेरी इतनी बात मान लो। अरे एक कयादो की बात हिरण्यकश्यप मान रहा है,
क्या तुम्हारी बात नहीं मानेगा तुम्हारा पति? धर्म पत्नी बन जाओ, अधिक से अधिक गौदान कराओ, अधिक से अधिक सवामणियां करो। सवामणियों के लिए पति से मत मांगना, सवामणियां तो तुमको करनी है। बोलो, जितनी माया बेटी है, जितनी बहन बेटियां बेटी है, हाँ बेटियों को भी फोन कर देना ससुराल में, बेटी कल सवामणी कर दे तेरे ससुराल में ठाठ लगेगा, उनसे भी मांग लो। उन मांग रहा है उठाओ उसको, जाते समय भी क्या तो कहती है कल जाने वाले थे कल क्यों नहीं गए, कल तो एक तोता ने मेरे शत्रु का नाम लिया, क्या लिया का नारायण लिए नारायण मेरे जाते समय ये मंगराचल पर्वत पर 36 वर्षों तक तपस्या की, दीमक लगी हिरण्यकश्यप, शरीर खोखला हो गया, ब्रह्मा जी आए प्रधान मांग, हिरण्यकश्यप को कहता है प्रधान मेरे को दोगे, कहां देंगे बोल, न दिन में भरू न रात में भरू न बाहर भरू न भीतर भरू न ऊपर भरू नीचे भरू न भूत प्रेत से भरू न पिशाच से भरू न ब्रह्म राक्षस से भरू न देवताओं से भरू न दानों से भरू और न पशु से भरू न पक्षियों से भरू यहाँ तक न सजीव से मरू न निर्जीव से भी ब्रह्मा जी के लिए तथा जहाँ सजीव से भी नहीं मरेगा निर्जीव से भी नहीं मरेगा। महाराज स्वर्ग में आ गया, देवताओं को दिया खबरदार मेरे शत्रु का नाम लेगा उसको नरक भेजूंगा और मेरा नाम रखा उसको स्वर्ग रखूंगा, और विधान पर दिया सुदेव जी के कहते ऐसा हिरण्यकश्यप होता कि पापियों को स्वर्ग में ला रहा है और पुण्यात्माओं को नरक में भेज रहा है। पावन देवता झाड़ू निकाल रही है, वरुण देवता पानी पा रहा है, अग्नि देवता रसोई पका रहा है, बोलो यमराज उसका ही कर रहा है। एक दिन देवता कहते हैं महाराज भगवान की प्रार्थना करते हुए यौंदाय प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधर सुधां अन्या सहस्रचरण स्वर्ण त्वगवदीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान ने आकाशवाणी से कहा क्या हुआ, कहा हिरण्यकश्यप ने विधान पढ़ दिया पापियों को नरक में स्वर्ग में ला रहा है पुण्यात्माओं को नरक में ले जा। भगवान ने कहा घबराओ मत, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती है, उसके वक्त पर लार जमेगा, मेरा नाम लेगा, उसको मारने की तैयारी करेगा, मैं खंभे में नरसिंह का रूप धारण करके उसको मार दूंगा। सुन रहे हो, यहाँ पर शंका बहुत हो रही है, क्या शंका हो रही है, अभी अभी कथा आई थी कि हिरण्यकश्यप जल गया था तपस्या करने, कितने वर्ष तपस्या की बोलो ना, 36 वर्ष, और आकाशवाणी क्या दे रही है, प्रहलाद जमेगा मेरा नाम लेगा मारेगा खंभे में प्रकट हो जाऊंगा। शंका यह हो रही है क्या 36 वर्षों में प्रहलाद का जन्म नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। भागवत को देखो, प्रहलाद अपनी माँ के पेट में 100 वर्ष रखा है, प्रहलाद का पिता भी हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष भी 100 वर्ष दीदी के पेट में रहे हैं। इस शास्त्र देखा प्रहलाद का जन्म नहीं हुआ, 100 वर्षों के बाद हुआ, और होते ही रसगुल्ले से भी मीठा नाम लेने लगे, रसगुल्ले से दाद हो गया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्या निवेदन।
हिरण्यकश्यपु ने विचार किया मेरे शत्रु का नाम कैसे याद रह गया, ये देव विद्या कहां पड़ गई है। गुरुजन को बुलाया, पाठशाला में भेजा दैत्य विद्या पढ़ाने के लिए। प्रहलाद ने विचार कर दिया, चार अक्षर जब नारायण पढ़ दिया तो पढ़ना बाकी क्या रह गया। कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान ही है। सुखदेव जी कहते हैं, एक दिन प्रहलाद सपाटी वादियों को बुला के कहता है, कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान ही है, दुर्लभ मानुष है जन्म है। हे मेरे सपाटी भाइयों, मानव जीवन दावदम जीवन बड़ा दुर्लभ है। इस जीवन को प्राप्त करके हमने कुकर सुकर की तरह खो दिया, पशु पक्षियों की तरह खो दिया। तो हमारे से अच्छे हैं पशु पक्षी जिनके हाड़ मांस शाम गाल गोबर तक काम आता है। गेंडे की खाल ढाल बनती है, मृग की खाल की मृग छाल बनती है, बागंबर की खाल की बागंबर बनती है, हाथी के दांत का चूड़ा बनता है, गाय का गोबर भी काम आता है, मनुष्य के खाल कुछ काम आई क्या।
हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, बागन की खाल तब सन के मन भाई है, मृगन की खाल को ओढ़ता है योगी जति, छेरी की खाल धारो पानी भर लाई है, सांबर की खाल को बांधत सिपाही लोग, गेंडन की खाल राजा राव को सवाई है, काय कवि दया राम, राम के भजन बिना मानुष की खाल कुछ काम न संग का रंग बड़ा जटिल होता है, चढ़ता नहीं, चढ़ने के बाद उतरता नहीं। आज देवतों के बालकों पर भक्ति का रंग चढ़ गया, गुरुजन आते हैं, प्रहलाद नाच रहा है, देवते के बालक नारायण नारायण, प्रहलाद का कान पकड़ दिया, हिरण्यकश्यप के पास ले गया, महाराज आपका बेटा देव विद्या पढ़ता नहीं, हमारे देवतों को बालकों को इसने अपनी विद्या पढ़ा दी, हम पाठशाला में रखेंगे नहीं, हम पाठशाला में रखेंगे नहीं, क्यों? एक काचर का बीज मन भर दूध को फाड़ देता है, एक नींबू की बूंद मन भर दूध को फाड़ देती है। हिरण्यकश्यप बड़ा गुस्सेला गुस्सा आया, प्रहलाद अब मैं मरूंगा, मारा जल्लादों को बुला के पटकाया, पर्वतों से कुछ नहीं बिगड़ रहा है, हाथियों के नीचे रखा कुछ नहीं बिगड़ा, सर्पों में रखा कुछ नहीं बिगड़ा। प्रहलाद की एक बुआ थी सावधान, केवल 5 मिनट की कथा है, झांकी का दर्शन होगा आज, थोड़ा झांकी का हम पहले ही दर्शन कराएंगे, लेकिन जब तक स्टेज मंत्री सूचना चलते रहे आरती होगी, उससे पहले कोई उठना मत, यदि प्रहलाद की कथा लगी है तो उठना मत, नहीं लगी है तो घर बोलो ना, झांकी का दर्शन बैठे बैठे करना, क्योंकि थोड़ा झांकी आज वजनदार है, इसलिए इतनी देर वो इंतजार नहीं कर सकते, 5 मिनट और। हिरण्यकश्यप कहता है, अपनी बहन को बुलाता है, प्रहलाद की बुआ, उसका नाम भागवत में डुंडा बताया, डुंडा क्या नाम था, डुंडा राक्षसी, वो अग्नि से स्नान करती थी, उसको वरदान मिला हुआ था, लेकिन ये भी कह दिया था ब्रह्मा जी ने कि अग्नि से स्नान तो करेगी ठीक है, कोई पुरुष हाथ लगा लेगा तो उसी समय भस्म हो जाएगी, वो तो भूल गई। हिरण्यकश्यप डुंडा को बुलाता, डुंडा ए डुंडा में, डुंडाई बोलो भैया, देख प्रहलाद को तेरी गोद में बैठा हुआ ना, तो अग्नि से स्नान करती हो जल जाएगा मर जाएगा। डुंडा कहती है, भैया ये तो मेरी हाथ की बात। डुंडा प्रहलाद को आवाज देती है, प्रहलाद ओ प्रहलाद भतीजा आजा बुआ जी का, बोलो हाँ। प्रहलाद दौड़ करके बुआ जी की गोद में बैठा, डुंडा ने ज्यों ही स्नान अग्नि से किया, डुंडा भस्म हो गई जल गई, इस समय इसका नाम होलिका पड़ गया, अब क्या नाम पड़ा है बोलो, होलिका, पहले क्या नाम था, डुंडा, क्योंकि पुरुष का स्पर्श होते ही जली, अग्नि जल रही है, प्रहलाद हंस रहा है, हिरण्यकश्यप कहता है, बेटा भक्त प्रहलाद क्या तेरे को अग्नि नहीं जला रही है, प्रहलाद कह रहा है, पिताजी बर्फ से भी ठंडी हो गई है, जाको राके साइया मार सके ना को, बालन बांका कर सके जे जग बेरी हो, वो तो एक हिरण्यकश्यप था, हजार हिरण्यकश्यप आ जावे भक्त का बाल बांका नहीं होता। हिरण्यकश्यप हाथ में तलवार देके कहता है, बेटा आज तक मराने की तैयारी की, आज मैं स्वयं मारूंगा, देखूंगा तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद कहता, पिताजी कण कण में है, क्या इस खंभे में है। प्रहलाद कहता, पिताजी मैया तो दृश्यते, मेरे को तो दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाल दी है और जय खंभे पर तलवार लगाई, खंभा फट गया, खंभे से मुर्दे नृसिंह भगवान की। न दिन में मरो न रात में मरो, ये प्रदोष का समय है, न बाहर मरो न भीतर मरो, दहली के बीचों बीच है, न ऊपर मरो न नीचे मरो, गोद के अंदर ले लिया है, न सिंह से मरो न मनुष्य से, न देवता से, आधे सिंह है आधे बोलो ना नर है, न अस्त्र से मरो न शस्त्र से, नाखून है न सजीव से मरो न बोलो ना निर्जीव से मरो, नाखून सजीव भी है, नाखून बोलो ना निर्जीव भी है, नाखून डाली खून की पिचक जा निकल गई। हिरण्यकश्यप हरि ओम तत्सत हो गया, भगवान नरसिंह का बहुत क्रोध बढ़ा हुआ है,
लक्ष्मी खड़ी है वहां। देवता कहते हैं लक्ष्मी तेरा पति है तो क्रोध से शांत कर। लक्ष्मी कहती है देवताओं ऐसा रूप मैंने नहीं देखा, जो रूप लक्ष्मी को नहीं दिखाया भक्त की रक्षा करने के लिए वो रूप बना दिया। और सारे देवता प्रदास से कहते हैं स्तुति कर रहे हैं क्रोध शांति के लिए। हरे तवांग्री पंकजाम भवे पवर गमाश्रिता यथेषु साधुरेच्छया तया सुरा समापितः। हरे तवांग्री पंकजम यथेषु साधुरेच्छया तया सुरा समापितः। अरे देवताओं की स्तुति से क्रोध शांत नहीं हुआ। भक्त प्रहलाद को कहा बेटा तू ही प्रहलाद शांत कर। प्रहलाद आया प्रणाम किया भगवान लपक करके प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। कहा बेटा मेरे आने में देरी हो गई, वरदान मांग क्या चाहता है। प्रहलाद क्या वरदान मांग रहा है, भगवान आप मेरे पर प्रसन्न हो, एक ही वरदान दे दो, मेरे पिता की दुर्गति नहीं होनी चाहिए, मेरे पिता की सदगति हो जानी चाहिए। भगवान नरसिंह ने कह दिया प्रहलाद तेरा जैसा पुत्र उस पिता की दुर्गति होगी क्या, तेरा जैसा पुत्र कोई जन्म जावे 21 पीढ़ियों को तार देवे, बोलो 7 पीढ़ी पिता की और 7 पीढ़ी ननियाल की और 7 पीढ़ी ससुराल की। और सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जो कोई तीसरे दिन इस कथा में आ जाता है और प्रहलाद का चरित्र सुन लेता है उस व्यक्ति की भी बोलो ना 21 पीढ़ियां बल जाती है। अरे वाह गौरक्षण समिति धन्यवाद तेरे को कि ऐसा पितृपक्ष ने आयोजन किया और जो आया है 21 पीढ़ियों का कल्याण। बोलो ना तुम्हारे पितृश्वर अति धन्य हो रहे हैं कि मेरे कुल में कोई जन्मा जो प्रहलाद की कथा में गया, 7 पीढ़ी पिता की 7 पीढ़ी ससुराल की 7 पीढ़ी ननिहाल की। तर गए एक सूचना दे रहा हूं 3 दिन कथा में नहीं आयो परवाह मत करना, काल भगवान का जन्म होगा कारागृह में, जन्मेंगे कारागृह में वो कंजूस नहीं होंगे, सुनने वाले को संसार रूपी कारागृह से निकाल देंगे, नंदोत्सव भी होगा। हाँ कल जिसके यहाँ माखन हो माखन लाना, कोई टोफिया लाना, थाली भी लाना बजाना है। और नंद सो में क्या बोलोगे, नंद के आनंद भाइयों, बोलो क्या बोलोगे, नंद के आनंद भाइयों जय कन्हैया लाल के। कई कई और अपने गांव में मैं कथा करता हूं ना, यहाँ तो शहर है वो गांव में माया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नहीं बोलती है, वो बोलती है नंद गई आनंद भयो, नंद गई आनंद भयो, नंद गई ना भाई ऐसा काम मत करना। कल तो नंद को तो लाना है, नथनी पहनानी है, थाली बजानी है, नंद जाने से आनंद नहीं आएगा। कल तो कन्हैया के कथा में नंद के आने से ही आनंद आएगा भाई। नंद को भी फोन कर देना, आप आस पास में तो बुला देना, नहीं तो नंद की बोलो ना फोन करके सभामणि तो बुक करा ही देना, तुम भाभी हो तो उनका भी कल्याण कर देना। आइए झांकी के अंदर देखे नरसिंह भगवान की झांकी, बैठे रहे बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन, सब बैठे रहे। स्टेज मंत्री जी सूचना बात बोल दे नरसिंह भगवान की भगवान जिंदगी रक्षक दया
छोड़ को ने पाया फल पिया का वर के बिना प्रीत जोड़ो फल क्या होगा नित की जिंदा जग सुनती रहना भगवान का दर्शन करती रहना कोई बीच में मत उठना आरती से पहले। आप सभी गोरक्षण सभा के भागवत सप्ताह में पधारे सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। नागपुर गोरक्षण तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच पधारे हमारे पूर्व नागपुर के विधायक श्री कृष्णा जी खोपड़े से मैं निवेदन करूंगा कि आप स्वामी जी का स्वागत करें। मैं चंदना डाक मैडम से ही करूँगा निपन करूँगा, वे भी साथ में आएंगे। नागपुर गोरक्षण अनुसंधान केंद्र पूर्व नागपुर में नागपुर व्यापारी संघ के नाम से फेमस था। सन 1950 में इतवारी के व्यापारी द्वारा स्थापित गई ये संस्था है। संस्था के पास करीब 20 एकड़ जमीन है, जिसमें से 8 एकड़ जमीन करीब 25 साल पहले स्वाध्वी पृथ्वीराज जी की प्रेरणा से उज्ज्वल गोरक्षण में दे दी गई थी। करीब 8-10 हज़ार गोधन का संरक्षण भी अभी तक किया गया है। आज संस्था के पास करीब 450 गोधन है, जिससे संस्था को दूध बिक्री के बाद भी पूर्ण खर्च की पूर्ति नहीं हो रही है। इसीलिए सभी भामाशाहों से दान लेकर इसे पूर्ण किया जाता है। पिछले 2 सालों से संस्था का नवीनीकरण लगातार चालू है, जिसमें 3 नए शेड एवं गोधन के लिए 25 गोठान बनाए गए हैं एवं राधा कृष्ण जी एवं सालासर बाबा का मंदिर भी बनाया गया है। प्रतिवर्ष गौशाला में सदस्यों के लिए स्नेह मिलन रखा जाता है, जिसमें करीब 2000 लोग भाग लेते हैं एवं गौ सेवा भी करते हैं। मैं मनीषा जी धावड़े का भी स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। अब मैं क्रमबद्ध होकर यजमानों को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया आप शीघ्रतापूर्वक व्यासपीठ पर पधारें। आज के दैनिक यजमान श्री सत्यनारायण जी मनीष जी नुवाल। आज श्री नानी बाई के मायरे के यजमान श्री बनवारी लाल जी वासुदेव जी मालू। मूलपाठ के यजमान श्री प्रभाकर जी सुधाकर जी पसारी। श्री प्रभाकर जी सुधाकर जी पसारी मूलपाठ के यजमान श्री बनवारी लाल जी वासुदेव जी मालू। नानी बाई के मायरे के यजमान श्री सत्यनारायण जी मनीष जी नुवाल दैनिक यजमान। इसी तरह पत्रिका में जिन्होंने विज्ञापन के रूप में सहयोग दिया है वे यजमान नवरंग एंटरप्राइजेस, मेसर्स नवरंग एंटरप्राइजेस, मेसर्स डेमले रामानी एंड कंपनी, इनके सीए श्री नारायण जी डेमले एवं सीए श्री विजय जी रामानी। मेरा आपसे निवेदन है कृपया व्यासपीठ पर पधारे। अनुपम सिल्वर हाउस के श्री पंकज भाई, नगर सेविका श्रीमती मनीषा धावड़े, कृपया आप भी मंच व्यासपीठ पर आए। श्रीमती मनीषा धावड़े, मिसेस बटुक भाई सन्स ज्वेलर्स, मिसेस बटुक भाई सन्स ज्वेलर्स, मिसेस साईनाथ पैकेजिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड श्री बालानी जी, मिसेस एवरशाइन कार्गो मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड, मिसेस एवरशाइन कार्गो मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड, मिसेस तुषार लॉजिस्टिक, मिसेस एसएस ट्रांस लॉजिस्टिक,
मेसर्स एस एस ट्रांस लॉजिस्टिक, मेसर्स चटवा कार्गो मूवर्स से रितु सिंह जी, नीतू सिंह जी, मेसर्स चटवान कार्गो मूवर्स, ये सभी हमारे सम्मानीय यजमान। इस कथा का मूल गोवर्धन गिरधारी गोपाल आकर अपना गोधन संभाल, और इसी गोदान महोत्सव के यजमान मैं आप क्रमबद्ध आपको आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया आप शीघ्रता से कतारबद्ध होकर व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। अब गोदान महोत्सव के यजमानों का मैं यहाँ नाम उल्लेख कर रहा हूं। जो भी आज यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ पधारे हैं, कृपया व्यासपीठ पर आए। श्री मेघाराम जी देवाली, श्री मेघाराम जी देवाली, श्री अमृतलाल जी संजय जी मालू, श्री अमृतलाल जी संजय जी मालू, श्री भीकम चंद जी राजेश जी काबरा, श्री भीकम चंद जी राजेश जी काबरा, डॉक्टर श्री कैलाश जी योगेश जी तापड़िया, डॉक्टर श्री कैलाश जी योगेश जी तापड़िया, श्री राधेश्याम जी मणियार अहमदाबाद, श्री राधेश्याम जी मणियार अहमदाबाद। मैं जिनके नामों का उल्लेख कर रहा हूँ वे कृपया कतारबद्ध होकर व्यासपीठ पर आए। श्री महेश जी हरीश जी सोनी, श्री महेश जी हरीश जी सोनी, श्री जयचंद लाल जी नथमल जी दरक तरनाऊ, श्री जयचंद लाल जी नथमल जी दरक तरनाऊ, श्री राजेश जी जाखोटिया मुरबाड़, श्री राजेश जी जाखोटिया मुरबाड़, श्री कनु भाई कक्कर, श्री कनु भाई कक्कर, श्री रमेश जी पचीसिया, श्री रमेश जी पचीसिया, श्री जय सुख जी मनोज जी आसावा, श्री जय सुख जी मनोज जी आसावा, श्री गिरिराज जी कोठारी, श्री गिरिराज जी कोठारी, श्री शैलेश जी हिमांशु जी लखोटिया, श्री शैलेश जी हिमांशु जी लखोटिया। मैं जिनके नामों का उल्लेख कर रहा हूँ उनमें से उनके परिवार में से भी अगर कोई हो तो कृपया आप भी व्यासपीठ पर आकर आशीर्वाद ले सकते हैं। ये सभी पारिवारिक गोदान महोत्सव के यजमान हैं, कृपया आप ध्यान रखें। श्री अनिल जी आनंद जी सारड़ा, श्री अनिल जी आनंद जी सारड़ा, श्री ब्रजमोहन जी मानधनी सूरत, श्री ब्रजमोहन जी मानधनी सूरत, श्री सौरभ जी देवकर, श्री सौरभ जी देवकर, सभागवती मीना मनोज जी लटूरिया, सभागवती मीना मनोज जी लटूरिया, श्री नथानी परिवार, श्री नथानी परिवार, श्री रंगराव महादेवराव बेचोड़े, श्री रंगराव महादेवराव बेचोड़े, श्री रामनिवास जी राजेश जी मुंदड़ा, श्री रामनिवास जी राजेश जी मुंदड़ा, श्री सुरेंद्र जी गुप्ता, श्री सुरेंद्र जी गुप्ता, श्री केदार जी जुगल जी लचूरिया, श्री केदार जी जुगल जी लचूरिया, श्री लक्ष्मीकांत गंगाधर जी वैद्य, श्री लक्ष्मीकांत गंगाधर जी वैद्य, श्रीमती चंपा देवी गोवर्धन जी काबरा, श्रीमती चंपा देवी गोवर्धन जी काबरा, श्री प्रवीण जी राठी, श्री प्रवीण जी राठी, श्री अतुल जी मसरू, श्री अतुल जी मसरू, श्री अल्केश जी सैलानी, श्री अल्केश जी सैलानी, श्री अजय जी मोदी, श्री अजय जी मोदी, श्री विनोद जी बेड़िया, श्री विनोद जी बेड़िया, श्री राजन जी तुलसियान, श्री राजन जी तुलसियान। मैं फिर से आपको ध्यान दिला दूं, ये गोदान महोत्सव के यजमान हैं, हम उन्हें सम्मान यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुला रहे हैं। श्रीमती पारुल आनंद गारोड़िया, श्रीमती पारुल आनंद गारोड़िया, श्री रामस्वरूप जी सारड़ा, श्री रामस्वरूप जी सारड़ा, श्री नितिन जी उपरे, श्री नितिन जी उपरे, श्री श्याम जी मित्तल, श्री श्याम जी मित्तल, श्री रामस्वरूप जी डालिया, श्री रामस्वरूप जी डालिया, श्री घासीराम जी ओम प्रकाश जी मालू, श्री घासीराम जी ओम प्रकाश जी मालू, श्री संजय जी उकरड़े, श्री संजय जी उकरड़े, श्री सुरेश जी गांधी, श्री सुरेश जी गांधी, श्री सुरेश जी लखोटिया, श्री सुरेश जी लखोटिया, श्री विठ्ठलदास जी तापड़िया, श्री विठ्ठलदास जी तापड़िया, श्री राजेश जी बागड़ी, श्री राजेश जी बागड़ी, श्री रतनलाल जी लाहौटी, श्री रतनलाल जी लाहौटी, श्री मित्तल जी राठी, श्री मित्तल जी राठी, श्री अशोक जी रामानी, श्री अशोक जी रामानी। ये सभी गोदान महोत्सव के यजमान हैं जिन्हें हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, कृपया कतारबद्ध होकर आप व्यासपीठ पर आए। श्री वेणुगोपाल जी मालू, श्री वेणुगोपाल जी मालू, श्री मनोज जी पचीसिया, श्री मनोज जी पचीसिया,
श्री नरेश जी बलदवा, श्री नरेश जी बलदवा, श्रीमती सुशीला रमेश जी मंत्री, श्रीमती सुशीला रमेश जी मंत्री, श्री गोपाल जी भगवानदास जी अग्रवाल, श्री गोपाल जी भगवानदास जी अग्रवाल, श्रीमती सुशीला मोहनलाल जी खेतान, श्रीमती सुशीला मोहनलाल जी खेतान, श्री सुनील जी मालवीय, श्री सुनील जी मालवीय, श्री विमल जी अग्रवाल, श्री विमल जी अग्रवाल, श्री राधेश्याम जी हेमंत कुमार जी सारडा, श्री राधेश्याम जी हेमंत कुमार जी सारडा, श्री कृष्णकांत जी मीरा मालपानी, श्री कृष्णकांत जी मीरा मालपानी, श्री डूंगरमल जी मालपानी, श्री डूंगरमल जी मालपानी, श्री अनिल बाबू सारडा, श्री अनिल बाबू सारडा, श्री नरेश जी जाखोटिया, श्री नरेश जी जाखोटिया, श्री वेणुगोपाल जी श्री गोपाल जी सारडा, श्री वेणुगोपाल जी श्री गोपाल जी सारडा, श्री श्रीधर जी पसारी, श्री श्रीधर जी पसारी, श्री निरंजन जी पसारी, श्री निरंजन जी पसारी, श्री मालचंद जी पवन जी सोनी, श्री मालचंद जी पवन जी सोनी, श्री रतनलाल जी गिरीश जी मालपानी, श्री रतनलाल जी गिरीश जी मालपानी, श्रीमती सुशीला देवी शिव रतन जी काबरा, श्रीमती सुशीला देवी शिव रतन जी काबरा, श्री डॉक्टर योगेश जी साबू, श्री डॉक्टर योगेश जी साबू, श्री ओम प्रकाश जी काकाणी, श्री ओम प्रकाश जी काकाणी, श्री दिलीप जी सारडा, श्री दिलीप जी सारडा, श्री कमल जी कलंत्री, श्री कमल जी कलंत्री। इनमें से अगर कोई सज्जन अगर पीछे की ओर भी बैठे हैं तो भी वो सामने की ओर धीरे धीरे आ सकते हैं और आकर आशीर्वाद ले सकते हैं। श्रीमती रुक्मा देवी रूपचंद जी बियानी, श्रीमती रुक्मा देवी रूपचंद जी बियानी, श्री मदन मोहन जी खेमानी, श्री मदन मोहन जी खेमानी, श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल, श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल, श्री उल्लासमल जी सुनील जी डागा, श्री उल्लासमल जी सुनील जी डागा, श्री रणछोड़दास जी श्री कुमार जी सारडा, श्री रणछोड़दास जी श्री कुमार जी सारडा, श्री सोम प्रकाश जी मंत्री, श्री सोम प्रकाश जी मंत्री, श्री विनायक राव जी कलमकर, श्री विनायक राव जी कलमकर, श्री डॉक्टर मुकेश जी चांडक, श्री डॉक्टर मुकेश जी चांडक, श्री ब्रिज गोपाल जी मुकुंद जी दरक, श्री ब्रिज गोपाल जी मुकुंद जी दरक, श्री रामानुज जी श्री भगवान जी भंसाली, श्री रामानुज जी श्री भगवान जी भंसाली, श्री पलक जी राठी, श्री पलक जी राठी। ये हमारे गोदान महोत्सव के यजमान हैं। हम फिर से आपसे निवेदन करते हैं, इनमें से मैं जिन नामों का उल्लेख कर रहा हूँ वे यहाँ पर उपस्थित हैं या उनके परिवार के भी कोई सदस्य हैं तो भी वे यहाँ पर अवश्य आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सूरजमल जी बद्रीनारायण जी साबू, श्री सूरजमल जी बद्रीनारायण जी साबू, श्री मूलचंद जी कमल बसंत बागड़ी, श्री मूलचंद जी कमल बसंत बागड़ी, श्री विनीत जी पूनम चंद जी भूतड़ा, श्री विनीत जी पूनम चंद जी भूतड़ा, श्रीमती सावित्री देवी मोतीलाल जी बियानी, श्रीमती सावित्री देवी मोतीलाल जी बियानी, श्री श्रीनिवास जी गोपी किशन जी सारडा, श्री श्रीनिवास जी गोपी किशन जी सारडा, श्रीमती गीता देवी रामकिशोर जी मालानी, श्रीमती गीता देवी रामकिशोर जी मालानी, श्री राजेश जी भौरीलाल जी सारडा पेदापल्ली, श्री राजेश जी भौरीलाल जी सारडा पेदापल्ली, श्रीमती राजकौरी रामबिलास जी बाहेती, श्रीमती राजकौरी रामबिलास जी बाहेती, श्री विष्णु प्रसाद जी पसारी, श्री विष्णु प्रसाद जी पसारी। और अब एक नाम मैं ऐसा ले रहा हूँ जिसके लिए आप तालियों की गड़गड़ाहट से अभिवादन करें, स्वयं व्यासपीठ पर विराजमान श्रीमान श्रद्धेय पंडित मोहनलाल जी व्यास नापासर निवासी, इन्होंने खुद ने गोदान के लिए अपना नाम दिया है, हम आपके अत्यंत कृतज्ञ हैं। श्रीमती गायत्री देवी अग्रवाल, श्रीमती गायत्री देवी अग्रवाल, और अब आरती का समय। आरती के लिए मैं जिन यजमानों का नाम ले रहा हूँ वे कृपया व्यासपीठ के समीप पधारे। मुख्य यजमान श्री तापड़िया जी, आज के दैनिक यजमान श्री सत्यनारायण जी मनीष जिंदवाल, आज के प्रसादी के यजमान श्री राजू भाई टांग परिवार, नानी भाई के मायरे के यजमान श्री बनवारी लाल जी वासुदेव जी मालू, एवं मूल पाठ के यजमान श्री प्रभाकर जी सुधाकर जी पसारी। और अब आरती होगी, आरती के पश्चात प्रसाद वितरण। आप शांति बनाए रखें, आपने इतना सहयोग दिया है, अतः हम आपके कृतज्ञ हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। निरंजन बाधाय नमः। ज्वालावालने रत्नमः रत्नेश्वरी नमः। सर्वोच्चरार्दे पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। कपूर गोरा करुणावधारा संसार सारा मुझे
सदा संदम हरियारंद भवानी सरितम Oh,
ਬਾਬਰ